स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के ऐलान ने उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में हलचल पैदा कर दी है। सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। ये दर्जनों विधायक आएंगे। अटकलें लग रही हैं कि यूपी के विधानसभा चुनाव में वो किसका खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। आगे की वार और आगे की धार देखते रहिए। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले 68 वर्षीय स्वामी प्रसाद मौर्य बीते करीब 3 दशकों से यूपी की राजनीति में सक्रिय हैं। पिछड़ा वर्ग और खास तौर से कोयरी समाज में उनका अपना जनाधार है। यूपी के आगरा, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज में कोयरी या कुशवाहा समाज की बड़ी आबादी है। इन इलाकों में कुछ हजार वोटों का अंतर निर्णायक हो जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रायबरेली जिले की डलमऊ विधानसभा सीट से बीएसपी की टिकट पर 1996 में पहला चुनाव जीता था। साल 2007 में उन्हें इसी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के अजय पाल सिंह ने हरा दिया था। हारने के बाद भी मायावती ने उन्हें यूपी विधान परिषद भेजा और अपनी सरकार में मंत्री बनाया। 2012 में वे फिर एक बार विधानसभा चुनाव जीते। 2012 विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट को रायबरेली जिले की ऊंचाहार विधानसभा सीट से और बेटी संघमित्रा को अलीगंज से बीएसपी का टिकट मिला था, लेकिन दोनों हार गए। साल 2016 के आखिर में स्वामी प्रसाद मौर्य का मायावती से मतभेद हुआ, जिसके बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ते हुए उन्होंने मायावती पर टिकट बेचने को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे। साल 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी कुशीनगर की पारंपरिक सीट पडरौना से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और बड़े अंतर से जीत हासिल की। उन्होंने बीएसपी के जावेद इकबाल को करीब 40,000 वोटों से हराया। वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट ने भी बीजेपी की टिकट पर ऊंचाहार विधानसभा से चुनाव लड़ा था, जिसमें सपा के मनोज कुमार पांडे ने उन्हें हरा दिया। जानकार मानते हैं कि 2017 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी में लाना पार्टी के लिए बेहद अहम था। माना जाता है कि इसमें अमित शाह की मुख्य भूमिका थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के कद का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि परिवारवाद के आरोपों के बावजूद बीजेपी ने उनकी बेटी संघमित्रा को 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट दिया। संघमित्रा ने समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ बदायूं से चुनाव लड़ा और उनकी पार्टी के बड़े नेता धर्मेंद्र यादव को हराया। जब यूपी विधानसभा चुनाव शुरू होने में 1 महीने से भी कम समय बचा है, मौर्य ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद मीडिया से उन्होंने कहा कि आज मैंने दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर बीजेपी के ज्यादातर नेता चुप हैं। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूँ। उनसे अपील है कि वह बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं।